दोस्तों Flipkart में Realme 10 एंड Realme 10 Pro का लैंडिंग पेज आ गया है। इसका मतलब है कि बहुत जल्द इंडिया में लॉन्च होने वाला है ये दोनों स्मार्टफोन। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ये स्मार्टफोन कब लॉन्च होने वाला है, इसके स्पेसिफिकेशन और फीचर्स क्या क्या होंगे, सारी चीज़ें डिटेल्स में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। सो वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आपको फुल जानकारी मिल जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, इस तरह की वीडियोस अच्छे लगते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन बिलो, ताकि इस तरीके के नए नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना सकूं। बात करते हैं इस स्मार्टफोन की। तो फर्स्ट बात करते हैं Realme 10 Pro की, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द Realme 10 Pro Plus 5G। सो Realme 10 Pro 5G, इसमें आपको 6.7 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिल जाती है विथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। Qualcomm Snapdragon 695 का एक 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है और 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है विथ 33 वाट फास्ट चार्जर। रेयर में आपको डुअल कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा है 108 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर दिया गया है एंड 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। और ये स्मार्टफोन Realme UI 4 पे रन करता है। और अगर आप जानना चाहते हैं Realme 10 Pro में और Realme 9 Pro में सबसे अच्छा स्मार्टफोन कौन है, तो इसके लिए मैंने एक कंपैरिजन वीडियो बनाया हुआ है, कार्ड पर लिंक दिया हुआ है, यहां से आप देख सकते हैं। कमिंग टू दिस स्मार्टफोन, इस स्मार्टफोन का प्राइस जो होने वाला है वो आपको करीब करीब 19,000-20,000 के करीब करीब देखने को मिलेगा, 20,000 के करीब करीब आपको देखने को मिल जाएगा। बट चाइना में इसको लॉन्च किया गया है 8 GB के साथ और वहाँ इसका प्राइस स्टार्ट होता है 18,500 से, बट हाँ यहाँ पर आपको ज़्यादा प्राइस देखने को मिल जाएगा। ये स्मार्टफोन लॉन्च हो जाएगा इंडिया में 8 December को और इसका आप प्री बुकिंग भी कर सकते हैं Flipkart में जाकर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द Realme 10 Pro Plus 5G। इस स्मार्टफोन में आपको थोड़ी बहुत अपग्रेड देखने को मिलेगी इसके प्रीवियस जनरेशन स्मार्टफोन से। यहाँ पर आपको दी गई है 6.6 इंच की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले विद कर्व स्क्रीन, एंड द कर्वनेस ऑफ दिस स्क्रीन एड एन एक्स्ट्रा प्रीमियमनेस ऑन दिस डिवाइस, जो कि स्मार्टफोन को बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लुक देता है। बहुत अच्छा लगता है और हल्का भी है स्मार्टफोन और बहुत ही ज़्यादा थिन है, ओनली 7.7 mm थिन है। और ये स्क्रीन भी 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है और इसका जो ब्राइटनेस है वो है 800 nits, दैट मीन्स आपको आउटडोर हार्स लाइटिंग कंडीशन में भी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाली है। और इसी के साथ इसमें आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये एक OLED डिस्प्ले है तो पॉसिबल है कि अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जा सकता है और इन लोगों ने दिया भी है। सो really appreciated. And now let's talk about the processor. तो यहाँ पर आपको दिया जाता है MediaTek Dimensity 1080 यानी कि 1080 का processor, जो कि एक 5G processor है और ये 6 nm architecture पर based है. That means आपको heating कम देखने को मिलेगा और battery का भी consumption आपको बहुत कम देखने को मिल जाएगा इस chipset में. यहाँ आपको दी गई है 5000 mAh की battery with 67 watt fast charger और ये 67 watt का fast charger आपके smartphone को near about 1 hour में fully charge कर देगा. ये smartphone run करता है Realme UI 4 पे और ये चाइना में जब लॉन्च हुआ था तो वहां पर लॉन्च किया गया था लगभग 19,500 के प्राइस पॉइंट पर। वहां तो बहुत ही अग्रेसिव प्राइस में लॉन्च किया गया था, बहुत ही कम प्राइस में लॉन्च किया गया था स्मार्टफोन, बट इंडिया आते आते इसका प्राइस बढ़ जाएगा क्योंकि टैक्स वगैरह बहुत ज्यादा लग जाते हैं चाइनीज ब्रांड को इंडिया में प्रोडक्ट सप्लाई करने में। सो इसका प्राइस यहां पर आपको अबाउट 25,000 के अराउंड देखने को मिलेगा और 25,000 के अराउंड भी देखने को मिले तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा प्राइस है, क्योंकि इंडिया में जितने भी स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं ना आजकल वो लगभग इसी प्राइस में लॉन्च हो रहे हैं। थोड़ा सा हायर ही प्राइस देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर नहीं होता है, इसके वजह से यहाँ पर आपको हायर प्राइस देखने को मिलता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ असेंबल होता है चीज़ें। ओके, तो अब बात करते हैं ये स्मार्टफोन कब इंडिया में लॉन्च होने वाला है। सो ये स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है 8 December को और इसका Flipkart में लैंडिंग पेज भी सामने आ चुका है, वहाँ से आप देख सकते हैं इसे। बाकी बात करें इस स्मार्टफोन को किसे खरीदना चाहिए या फिर इसका प्रीवियस जनरेशन खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, कार्ड पर लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। मैंने Realme 10 Pro को Realme 9 Pro से कंपेयर किया हुआ है और Realme 10 Pro Plus 5G को Realme 9 Pro Plus 5G से कंपेयर किया हुआ है। सो देयर यू विल गेट द होल इन्फॉर्मेशन अबाउट बोथ दिस स्मार्टफोन्स। दैट्स ऑल अबाउट दिस स्मार्टफोन। सलाम, माय नेम इज साकिर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।